तो यहाँ देख सकते हैं अंश जो है अपना रेनकोट उतार रहे हैं, क्योंकि अभी आज बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, तेज बारिश हो रही है, तो बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन स्कूल सब देखिए जा भी रहे हैं बच्चे रेनकोट लेके। यहाँ पे मतलब रेनी डे नहीं होता, कितनी भी तेज बारिश हो तो स्कूल खुला रहता है। तो अभी मैं भी जा रही हूँ अंश को, और यहाँ पे अंश रेनकोट पहन रहे हैं अपना, क्योंकि रेनकोट पहन लेंगे फिर निकलेंगे। और मेरे पास रेनकोट नहीं है, मतलब मैंने रेनकोट लिया ही नहीं, मुझे रेनकोट पहन के जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो यहाँ पे अंश रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए, और बस रेनकोट पहन लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये गाय के लिए लिया हुआ है, तो देख सकते हैं इसमें रोटी है, और इसमें मैं दिखाती हूँ कबूतर के लिए चावल है। ये देखिए, तो ये और मेरी है छतरी, तो मैं छतरी ले आंस रुको चाबी, सब तैयारी के चक्कर में चाबी लेना भूल गई, मैं चाबी लेके निकलती हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, बाकी मैं मोबाइल घर पे रख के जा रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए मोबाइल नहीं लेके जाऊँगी, नहीं तो पानी चला जाएगा। और बाहर निकल चुके हैं तो हम मुझे बुला रहे हैं, मम्मी मम्मी आइए जल्दी। इसको छोड़ के आ गई हूँ और आ चुकी हैं स्कूल से, तो ये यहाँ पे रेनकोट सबसे पहले उतार रही है क्योंकि बारिश हो रही थी। और इसको टांगो, तुरंत हैंगर में लगाओ अभी। चेंज कर लिए क्योंकि मैं भी गीली हो गई थी, तो अभी मैंने मैक्सी डाल लिया है एकदम रिलैक्स टाइम पे। छवि डालो हैंगर में लगाओ तुरंत रेनकोट, पानी झड़ जाए। और यहाँ मैंने अपने अम्ब्रेला लगा दिए हैं। बारिश की वजह से रोशनी नहीं लग रही थी। तो कितनी भी बारिश हो, मुंबई की लाइफ रुकती नहीं है। सब बच्चे स्कूल गए हैं, बहुत सब बच्चे आए थे, मतलब ऐसा नहीं था। और मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी, तो मुझे प्यास भी लग रही थी क्योंकि दूर है आंसर स्कूल। छवि लगा दो हैंगर में ना, पानी निकल जाएगा। अभी देखती हूँ छवि को, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही हैं, अभी तक कपड़े बदली कि नहीं, कपड़े बदली कि नहीं की अभी। तो ये ले हैंगर, तो इनके भी कपड़े चेंज हो चुके हैं। और ये अभी जा रही है लगाने के लिए, क्योंकि हैंगर में लगा के डाल देती हैं तो पानी वो हो जाता है, पूरा निकल जाता है, सूख जाता है। और बालकनी में ही डालते हैं, क्योंकि जो पानी गिरता है वो बालकनी में ही गिरेगा, तो घर सूखा रहेगा, नहीं तो घर भी गीला गीला कर देंगे ये लोग। ये देखिए इनके स्टाइल, इन्होंने लगा दिया है। अच्छा भी दो छुट्टियाँ बना के स्कूल जाती है। पूरा गेहूँ साफ कर लिया है, और ये बोरी में भर के मैं मतलब बांध के रख दे रही हूँ कि मेरा काम हो गया है।
अभी अब हस्बैंड जी जब ऑफिस से आएंगे तो इसको ले जाएंगे, मतलब चक्की पे रख देंगे। तो हम लोग बता दें तो आटा पैकेट वाला नहीं मंगाते हैं, गेहूँ ही मतलब आता है तो उसको साफ़ करके पिसवाते हैं। और मैं बता दूँ तो धुला नहीं जाता है, जैसे गांव में है तो मम्मी लोग तो धुल के साफ़ करके फिर उसको बना के मतलब पिसवाती हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं सुखाने की जगह नहीं रहती, तो इसलिए मैं वैसे गेहूँ साफ़ बहुत ही साफ़ रहता है, कुछ रहता नहीं, लेकिन एक मन की शांति के लिए थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। और ये हस्बैंड जी आ गए थे तो वो ले जा रहे थे, मतलब कि चक्की पे रख देंगे तो पिस जाएगा, नेक्स्ट डे मिल जाएगा हमें आटा। शाम का समय हो गया था दिया बत्ती का, तो मैं मतलब दिया जलाने लगी, तो मैं तीन दिया जलाती हूँ। एक मेन गेट पे ये सरसों के तेल का दिया जलता है, और फिर तुलसी मैया का घी का दीपक जलाते हैं, और मंदिर में भी घी का ही दीपक लगाती हूँ। तो तुलसी मैया बालकनी में है तो मैंने वहाँ जला दिया, और यहाँ पर भगवान जी को मतलब शाम को दिया ज़रूर मतलब मैं मंदिर में लगाती हूँ, और तो दिया लगा दिया है और पूजा भी हमारी हो गई है। आज मम्मी बना रही है पूड़ी। आज मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों मम्मी पूड़ी बना रही है, क्योंकि आज मेरा मन था बना खाने का, और ये मम्मी ने एक निकाली इधर एक डाली, अब थोड़ी देर तक ऐसे छोड़ेंगी, फिर मम्मी निकालेंगी आटा उससे पूड़ी बनाने की भी रेसिपी बता रहे हैं। हाँ, जिसको नहीं आता है आप ये व्लॉग देख के आप सीख सकते हैं। ये फिर आटा निकालेंगी, बेलेंगी गोल गोल ऐसे, फिर इसमें डाल के थोड़ी देर हिला के उसको कलछुल से निकाल लेंगे। मम्मी आप देख सकते हैं आप मम्मी ने कितने सारे निकाली हैं। इसलिए छवि को बुला रहे थे, छवि जल्दी हो गया था, तो ये देख सकते हैं मतलब खाना पीना हमारा हो गया था, तो मैं बर्तन पूरे धुल साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं बर्तन कभी भी रात में किचन में नहीं छोड़ती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मेरी मम्मी मेरी सासू माँ सब यही बोलते हैं कि कभी मतलब मेरे ससुराल में भी या मायके में यही होता है कि कभी भी बर्तन रात में छोड़ा नहीं जाता है, कि लक्ष्मी माता जैसे मम्मी बोलते हैं कि लक्ष्मी माता रात में आती हैं भ्रमण पे निकलती हैं, तो घर में देखते हैं कहाँ कहाँ जूठा बर्तन रखा हुआ है तो वहाँ पे बरकत नहीं होती, तो वही दिमाग में रहता है कि कितना भी लेट हो जाए तो मैं सारे बर्तन धुल के गए साफ़ करके, मतलब किचन की तो सफाई करती हूँ, घर की सफाई एक बार साइड हो जाती है अगर रात में जब कुछ फंक्शन वगैरह है तो, लेकिन किचन की तो मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर पूरा मैंने बर्तन वगैरह धुल दिया, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं।